अभी चल आजा बल डेटिंग डेटिंग खेले, मुझको तो जानो हाय रेटिंग रेटिंग दे दे। रमजी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, इट्स मी रणबीर सिंह थोदाम बैक अगेन विद अनदर वीडियो गाइस। यार नया सुबह नया दिन और नया जर्नी हमारे लिए। फिलहाल यू नो घर से हम यू नो डिसीजन लिया था कि हम गुवाहाटी के अंदर ही हम यू नो घूमेंगे, जैसे कि एकोलैंड और जू वगैरह। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा तो डिसीजन इमिडिएटली चेंज हो गया, सडनली यू नो डिसीजन चेंज हो गया दोनों का। तो फिलहाल हमने अभी सोचा है कि अभी हम निकलेंगे शिलोंग की तरफ, और शिलोंग की तरफ जाएंगे। ये डिसीजन इमिडिएटली हमने लिया है यहाँ पर। ऐसे ही लाइफ में भी कभी कभी यू नो डिसीजन कभी कभी ऐसे सडनली हो जाता है, तो यही एक एग्जाम्पल है। तो फिलहाल हम अभी निकलेंगे, लेकिन यहाँ का यू नो जो विंटर है यहाँ, अगर मणिपुर के साथ कंपेयर किया जाए तो उतना ठंड भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम अभी जैकेट लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, क्योंकि हम जाने वाले हैं मोर कोल्डर जोन पे। शिलोंग में इससे भी बहुत 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 ठंडा होगा, तो जरूरत पड़ेगा हमें जैकेट और टोपी वगैरह का। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे चेरापुंजी पहुंचने का। और यू नो चेरापुंजी यू नो बहुत बार मैंने ये सुना है और वीडियो में देखा है, लेकिन असल में मैंने कभी नहीं देखा, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है। तो फिलहाल चलते हैं, अभी अभी टोपी लगाऊंगा और सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता करने के लिए, पूरी और चाय वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही लंबा जर्नी जाना है। तो फिलहाल सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। सो गाइस वी आर रेडी फॉर द राइड टू शिलोंग, और फिलहाल यहाँ पर गाड़ी खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से शिलोंग तक कितना फेयर लेगा वो? 4000 नहीं, 4000 तो वो चेरापुंजी वो टुगेदर सब कुछ घूमने का, और यहाँ से सिर्फ शिलोंग जाने का ना अराउंड 400 रुपीज पर, अराउंड 400 रुपीज। और यहाँ से शिलोंग तक का जर्नी जो है लगभग 3 घंटा ना, 3 घंटा का होता है। और वहाँ पहुँचते हम देखेंगे, वहाँ से हम चेरापुंजी पहुँचने का कोशिश। सो गाइस हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, मेरा दोस्त यहाँ पर आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ है। हाय। और फिलहाल अभी बच गया 7। सो गाइस जर्नी इज स्टार्टेड एंड वी आर जस्ट मूविंग अहेड टुवर्ड्स शिलोंग। और ये जो शिलोंग घूमने का प्लानिंग है दोस्तों, ये जो है एकदम इमीडिएटली एकदम सडनली यहाँ पर अचानक सा यहाँ पर हुआ जब हम गुवाहाटी पहुँचे। उससे पहले घर से हम बस यही प्लानिंग करके आए थे कि हम सिर्फ गुवाहाटी के अंदर ही घूमेंगे, तो प्लानिंग चेंज हो गया और हम अभी जा रहे हैं शिलोंग, और देखते हैं बहुत ही एक्साइटिंग वाला वीडियो होने वाला है दोस्तों। गाइस जर्नी के बीच में कहीं यहाँ पर यू नो एक अनजान जगह में उतरना पड़ा चाय के लिए, और मेरा दोस्त जो है वो चाय लेकर आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही ठंडा है अभी। आ गया चाय वाला आ गया। कॉफी है या चाय? कॉफी है, अंडे, और हम लोग कॉफी पी रहे हैं यहाँ। बीच रास्ते पे गाड़ी रुक गया। जैसे हम शिलोंग के अंदर और अंदर और अंदर हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एकदम ठंड जो एकदम बढ़ रहा है यहाँ पर। फिलहाल बहुत अच्छा किया हम दोनों ने कि यहाँ पर एकदम जैकेट जो है दो जैकेट और एक टोपी लगाकर आया। और फिलहाल आई डोंट हैव एन आइडिया व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन द चेरापुंजी व्हेन वी रीच देयर, व्हाट विल बी द कंडीशन, आई डोंट नो, सो लेट्स सी। तो दोस्तों जैसे हम जा रहे थे यहाँ पर पास में एक यू नो एक नजारा दिखाई दिया, एकदम खूबसूरत सा नजारा, तो यहीं पर हम गाड़ी को रोकी उतर के थोड़ा सा फोटो खींच के यहाँ फिर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? तो ये कोई पार्ट है लेक क्या, कौन सा लेक? मैं तो आ चुका हूँ, भूल गया इसका लेक का। तो
गाइस हम पहुंच गए यहाँ पर शिलोंग और यहाँ पर एक लेक है बोल रहा है तो इसमें जाएंगे। ये जो लेक है इसका खासियत ये है कि इसका चारों तरफ एकदम ट्री प्लांटेशन अच्छी तरह किया गया है, मेंटेन अच्छी तरह किया गया है और यहाँ पर एकदम ब्यूटीफुल सा शाइनी सा लेक आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो कम्बिनेशन है एक शाइनी वाला लेक और ये ग्रीन ट्रीज के कम्बिनेशन ने इसे बहुत ही खूबसूरत नेचर का ब्यूटी वाला एकदम नज़ारा आप सभी को दिखाई देगा। अगर आप एकदम नेचर लवर हो तो ये जगह एकदम आपके लिए मज़ा करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। दरअसल इस लेक में मैं आ चुका हूँ लेकिन यू नो बहुत 3-4 साल पहले शायद, लेकिन इस लेक का नाम भूल गया। और दोस्तों ये लेक का नाम अभी हमें पता चल गया है, मालूम पड़ गया है कि इस लेक का नाम है वर्ड्स लेक। और फिलहाल मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर झांक के देखा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो लेक है यू नो एक हिस्टोरिकल लेक है। यू नो सालों पहले यहाँ पर बताया गया है दैट इज 1897 पर यहाँ पर एकदम बड़ा सा आर्टक्वेक हुआ था। तो आर्टक्वेक होने के बाद यू नो द ब्रिटिश गवर्नर ने यहाँ पर प्लांटेशन किया और एक क्वार्टर के तरह एक यू नो बनाया। तो इसे पहले वाट्स लेक से पहले ये जाना जाता था जैसे कि यूरोपियन क्वार्टर जाना जाता था यहाँ पर दोस्तों। तो फिलहाल अभी के लिए हम जाते हैं दूसरे साइट्स पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे डिटेल्स के बारे में बताते रहूंगा। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ पर है ना। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम है लेडी हाइड्रिपा। तो कुछ नजारा देंगे और उसके बाद फट से चला जाएंगे क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। हमें फिर वापस चले जाएंगे कहाँ, दूसरी जगह चिरापुंजी। आजा क्या नहीं यार, डियर है क्या? ओ हिरन है या क्या है, हिरन का फैमिली है। तो दोस्तों हम निकल गए यू नो लेडी हाइड्रिक पार्क से और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के जगह भी है और उसके साथ साथ एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर। और एनिमल्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी अंदर रखा गया है। तो फिलहाल बच्चों के लिए एकदम फेवरेट प्लेस रहेगा। और हम यू नो हर टूरिस्ट स्पॉट पर हम उतना वक्त नहीं लगा रहे हैं, एकदम एक झलक देख के वैसे निकल रहे क्योंकि हमारे पास एकदम टाइम जो है एकदम लिमिटेड टाइम है। तो हमें सबसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पहुंचना है चिरापुंजी बिफोर इट गेट डार्क। वी हैव टू रीच टू चिरापुंजी। सो वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए मैं यहीं पर अंत कर देता हूं, अगले वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।